छतरपुर से है। छतरपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत दिनांक 4 मार्च को गजराज पैलेस के सामने अज्ञात हमलावरों द्वारा बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की सिर में गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई थी। फरियादी मृतक के गनमैन की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन ने अपराध क्रमांक 2527 एक्ट का अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध कामयाब कर विवेचना के लिए यह घटना स्थल का भौतिक निरीक्षण SFL टीम द्वारा तकनीकी एक्सपर्ट द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान 31 CCTV फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर हत्या में शामिल आरोपी आकाश सक्सेना को गिरफ्तार कर पहले ही जेल में भेजा जा चुका है। शेष सम्मिलित आरोपियों की तलाश निरंतर जारी थी। SP अगम जैन द्वारा अपराध की समीक्षा निरंतर की जा रही थी। आकाश सक्सेना की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम ने हत्या की घटना से जुड़ी एक महिला आरोपी को भी जेल भेजा जा चुका है। पूरे मामले में आज सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने पत्रकार वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की हत्या में शामिल मथुरा उत्तर प्रदेश के दो अन्य शूटरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। हायर किए गए शूटरों के नाम धर्मेंद्र जाटाव उम्र 20 वर्ष निवासी मथुरा उत्तर प्रदेश एवं सचिन जटाव उर्फ टविन टावर उम्र 22 वर्ष निवासी मथुरा उत्तर प्रदेश को जिला मथुरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शुदा दोनों अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त एक 315 बोर की अद्री एवं तमंचा भी जब्त किया गया है। हत्या की घटना में शामिल दोनों आरोपियों से पूछताछ एवं विवेचना जारी है। कुल मिलाकर सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे और उनकी टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। जी, दिनांक 4 मार्च 2024 को गजराज पैलेस के सामने अज्ञात हमलावरों द्वारा महेंद्र गुप्ता की हत्या की गई थी, जिस पर से थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया, अपराध की विवेचना की गई, अज्ञात हमलावर को ट्रेस किया गया और ट्रेस करने के बाद 4 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनसे पूछताछ करके 2 मुख्य जो आरोपी और थे जिसको हायर किया गया था रानू द्वारा 2-2 लाख रुपए के रकम पे, उन 2 आरोपियों को मथुरा से गिरफ्तार किया गया हमारी टीम द्वारा। अभी तक इस मामले में कितने आरोपी थे टोटल बनाए गए? टोटल 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और भी आरोपियों का बताया जा रहा है, जिनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। रानू राजा के पीछे हम लगे हुए हैं, उसको भी जल्द गिरफ्तार करेंगे। इन आरोपियों द्वारा कुछ क्लू दिए गए हैं जिस पर से जल्द से जल्द रानू सर को लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड कर रहा है सर और पुलिस नहीं कर पा रही है। जी जी, उस पर लगे हुए हैं हम, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। बड़ा लंबा समय लगता है जी। नहीं, जल्दी से जल्द गिरफ्तार होगा। ये 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, इनके द्वारा कुछ बताया गया है, उससे हम जल्दी से जल्द उसे गिरफ्तार करेंगे। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।